सर, इंफॉर्मेशन सही है सर। सर, होटल सेंटूर रूम नंबर 5029 सर। सर, इस आदमी के पकड़े जाने से स्टेट में घुसे सारे टेररिस्ट और उनके प्लान्स के बारे में हमें पता चल जाएगा सर। सर, हम लोग उस होटल को चारों तरफ से घेर कर एक साथ अटैक कर देंगे। नहीं नहीं, कोई अटैक नहीं करना, कोई हमला नहीं करना। होटल के एक तरफ थिएटर है, एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल है और पीछे अस्पताल है, इसलिए हम सबको सिविलियन ड्रेस में जाना होगा। जनार्दन और पाटिल, तुम दोनों एंट्रेंस के बाहर रहोगे। तुम लोग रिसेप्शन से मास्टर की लेकर बेडरूम में जाओगे, लेकिन याद रहे, जहां तक हो सके गोली मत चलाना। यस सर। हेलो, एक प्लेट मटन रोगन जोश, दो प्लेट अफगानी टंगड़ी कबाब, एक थ्री लेयर चिकन बिरयानी और प्याज का रायता। रोटी या नान सर? सिर्फ दो काबुली नान और प्याज का रायता मत भूलना। अब चलो। अरे हमको अरेस्ट करके तुमको क्या मिलेगा भाई? बस तुम्हारे कंधे के एक दो सितारे और बढ़ जाएंगे बस, लेकिन उससे तुम्हारी बीवी के गले के जेवर तो नहीं बढ़ जाएंगे ना। हम जानता है कि तुम्हारी सरकार तुमको बहुत कम तनख्वाह देती है ना, और हम तुमको इतनी दौलत देगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 1 करोड़ साला हमको रिश्वत देता है हा? रिश्वत नहीं भाई लोग, बस अपनी रिहाई की कीमत देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी कीमत लगाओ? 3 करोड़, 4 करोड़, 6। शट अप। बस आखिरी बात बोलता है, 10 करोड़। ए, तुमने हमें समझ कर रखा है। फर्ज के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। I'm sorry, sir. मैं भोसले को बचा नहीं सका सर। सर, वो अकेला नहीं था सर, उसके साथ में बहुत सारे लोग थे सर। पता नहीं उन्होंने कहां से फायर कर दिया सर, भाग गए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन है तुम? अफगानी तंगड़ी कबाब, मटन रोगन जोश, 3 लेयर चिकन बिरयानी, काबली नान, प्याज का रायता और 10 करोड़। अंदर आओ। तो उस डील के बारे में तुम जानते हो? यस सर। सर, वो क्या है कि आप लोगों के कमरे में घुसने से पहले वो टेररिस्ट फोन पर मुझे ही खाने का ऑर्डर दे रहा था। सर, वो क्या है कि मैं खुद का एक होटल खोलना चाहता हूँ, बस 1 करोड़ दे दीजिए। 9 करोड़ आपका, 1 करोड़ मेरा। सर, 1 एंड ओनली 1 विटनेस हूँ, इतना तो मिलना ही चाहिए ना सर। हाँ, इसके अलावा मेरे होटल में आपके लिए एक कमरा हमेशा बुक रहेगा। तो सर, सूटकेस लेकर कब आऊँ? आओगे तो तब, जब यहाँ से जाओगे। एकलौते गवाह हो और सौदा करने अकेले चले आए। गद्दार। सर, कुछ भी हो, ये डिपार्टमेंट की प्रेस्टीज का सवाल है। इस बात को पब्लिक में ले जाना ठीक नहीं है सर। पवार ने जो कुछ किया है उसके लिए उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसके लिए पूरे डिपार्टमेंट की इमेज को खतरे में डालना ठीक नहीं है सर। बोलिए आप लोग, प्राइड, इमेज। मैं जानता था आप लोग ये बातें करेंगे। ये वर्दी क्या है? क्या है ये वर्दी, जानते हैं आप लोग? आम जनता की ढाल है ये, उनकी हर मुसीबत हर परेशानी इस ढाल से टकराकर खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग डरते हैं इस वर्दी से। शरीफ लोग पुलिस वालों को देखते ही रास्ता बदल लेते हैं, और ये सब पवार जैसे लोगों की वजह से है।
कानून अगर मुझे इजाजत देता तो ऐसे पुलिस वालों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देता। लेकिन कानून के दायरे से ना तो मैं बाहर जा सकता हूं और ना ही किसी और को बाहर जाने की इजाजत दे सकता हूं। Nobody is above the law। हर पुलिस वाले को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वर्दी पहनने का मतलब होता है जिम्मेदारी पहनना, और उसे कानून की मर्यादा का पता होना चाहिए। वर्दी पहनकर छोटी से छोटी गलती कभी माफ नहीं किया जा सकता। That's all। अरे वाह भाई वाह, हर शहर में ऐसा नेक कमिश्नर हो तो क्राइम अपने आप खत्म हो जाए। बिल्कुल सही। मैडम आइए आइए। मैडम नमस्ते। मैंने अभी साहब को टीवी पर देखा, क्या बात कही उन्होंने। आप कुछ लेंगी, चाय कॉफी या ठंडा? नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच, बस थोड़ी शॉपिंग करनी है। कीजिए कीजिए, आप ही का शो है। गेम छे मजामा छे मजामा छे ना। हाँ कम ऑन बॉस, उठा लो जो चाहिए उठा लो। माँ ये वाला। हाँ। शिवा उदय क्या आइटम है? क्या पटाखा है बाप, किस करूँ क्या? उसकी तरफ देखना भी मत शिवा भाई, पुलिस कमिश्नर की बेटी है। वो पुलिस कमिश्नर की बेटी है तो अपन भी तो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। कोई भी पुलिस वाला अपने कॉलेज में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अपने एक इशारे पे स्टूडेंट पूरी सिटी में आग लगा देंगे। आग। सही है बेटो। अनु माँ, अनु क्या हुआ? किसी ने? अरे बोल ना, किस किया तेरे को? क्या हुआ? अनु अनु कंट्रोल सेल्स। अनु अनु छोड़ दे। क्या हुआ? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी ये सब कॉलेज स्टूडेंट है, रोज यहाँ आकर हंगामा करते हैं, मैं देखता हूँ उनको। बहुत बदतमीज लोग हैं, सबक सिखाना चाहिए इनको। अभी उनको फोन करती हूँ, एक मिनट में होश ठिकाने आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ, पापा को फोन करने से भी कुछ नहीं होगा, कानून समझाने लग जाएंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इन्हें कौन ठीक कर सकता है। नाम अभय प्रताप, खासियत गलत लोगों को छूते ही ये हाथ, हथियार बन जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अभय प्रताप सिंह, तूने क्या सोचा? तू इस कॉलेज को अपने अड्डे की तरह इस्तेमाल करता रहेगा और पुलिस तेरा कुछ नहीं कर पाएगी? तू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, इसलिए मैंने तुझे यहां सबके सामने मारा। अगर यही हरकत किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट ने की होती तो मैं उसके ऑफिस में घुसकर उसे मारता। अगर एमएलए ने की होती तो मैं उसके इलाके में घुसकर उसे मारता। अगर एमपी ने की होती तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में।
क्योंकि मेरा उसूल है नो FIR, नो अरेस्ट, नो डॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। एक का दाहिना हाथ बेकार हो गया और एक का बाया, चार तो हॉस्टल में पहुंच गए। उस इडियट की वो पिटाई की है भैया ने कि बस। अबे चल आगे चल। आज बरखुरदार साथ नहीं दौड़ेंगे, गलती जो करके आए हैं। पापा मैंने कोई गलती नहीं की। बस बस क्यों? बस, बस, बस। कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को मारना गलत नहीं होती क्या? हम लोग तो थक गए पापा, वो स्टूडेंट्स हैं। ओके बाय। गुंडे हैं। लेकिन तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, आम आदमी की तरह तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहले FIR दर्ज करते, उसके बाद उनसे पूछताछ करते, फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज करते। फिर मामला कोर्ट में जाता, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता और वो पुलिस वालों पर हंसकर घर चले। अरे ऐसे कैसे चले जाते? अदालतें किस लिए बनी है? अरे जसर, हाय, हाउ आर यू कमिश्नर? हाउ आर यू सर? अच्छा एक बात बताइए, क्या कोर्ट हर क्रिमिनल को सजा नहीं देती? ओनली 1% ऑफ क्रिमिनल्स ऑलवेज गेट द पनिशमेंट। नो, परसेंटेज गलत है, एटलीस्ट 10% को सजा मिलती है। 1% 10% 1% 10% 1% 10%। एक्सक्यूज मी, प्लीज डोंट इंटरफेयर, शी इज माय पर्सनल वाइफ। हां तुम गलत हो, तुम हमेशा गलत होती हो। क्या बोला? मैं हमेशा गलत हूं? दैट्स राइट। तो डाइवोर्स दे दो। चलो माय प्लेजर, चलो पापा पाड़ो, अभी पेपर साइन कर दिए। अरे क्या यार, 200 रुपए के पीछे तुम सबको भगा रहे हो यार। मैं तो 2 रुपए के लिए भी 200 मील दौड़ कमजोरी लाल, तू यही ठहर, मैं इनसे जरा पूछताछ करके आता हूँ। सुनिए जी, आपने उसका पर्स मारा? अरे हाँ। कितने पैसे उसमें? अरे सिर्फ 200। 200? 50 आपके, 50 आपके, 100 मेरे। तुम्हारे 100? चोरी मैंने की है ना? ठीक है, चलो। चलेगा। तो मैं जाऊँ? ठीक है। ओके, बाय।